जब से हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 पास हुआ है, अधिकतर भाई और बहुत सारे पिता खुश नहीं हैं, क्योंकि वो अपनी बहन या बेटी को पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं देना चाहते हैं। ये लोग एक छोटी सी बात नहीं समझते हैं कि एक बहन अपने भाई से उसकी कमाई में हिस्सा नहीं मांग रही है, और इसके लिए कानून भी इजाज़त नहीं देता है, बल्कि वैसे संपत्ति में हिस्सा मांग रही है जो कि एक भाई को सिर्फ इसलिए मिला है कि वो उस घर में पैदा हुआ। तो बेटी भी तो उसी घर में उसी माँ बाप से पैदा हुई है, ऐसा तो नहीं है कि वो कहीं आसमान से टपकी है। तो इसलिए यहाँ पर समझने वाली दो बातें हैं, पहला, बहन भी उसी माँ बाप की बेटी है, और दूसरा, जिस प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रही है वो प्रॉपर्टी भाई ने खुद की कमाई से अर्जित नहीं किया है, बल्कि ये पिता से उसे मिली है। तो जैसे भाई का हिस्सा है, वैसे एक बहन का भी हिस्सा है। हमें पता है जिनकी नियत देने की नहीं है वो इस वीडियो को बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, उल्टा हमें गाली ही देंगे, पर ये वीडियो देखने के बाद इतने बड़े देश में अगर एक भाई भी खुद से आगे आकर पैतृक संपत्ति का बंटवारा करके अपने बहन को हिस्सा खुशी खुशी देता है तो हमारा ये वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। खैर, आप में से जो भी हमारी बात को सपोर्ट करते हैं वे कमेंट बॉक्स में अपना व्यू जरूर दें। सिर्फ हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा, आप सभी को चाहना होगा, तभी तो ये समाज चेंज होगा। तो आप लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ये हमारे वीडियो के प्रमोशन के लिए नहीं है, बल्कि आपका एक कमेंट लाखों बहनों को सपोर्ट करेगा जो अपने ही भाई की लालच, जिद और गुरूर का शिकार हैं। रहने को घर नहीं है, यहाँ तक कि खाने को भी नहीं है, फिर भी उसके भाई उन्हें एक बार देखने तक नहीं जाते हैं। तो आप अगर हमारे व्यू से सहमत हैं और हमें सपोर्ट करते हैं तो शेयर और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि हो सकता है कि आपका एक शेयर एक बहन को थोड़ी खुशी दे दे। धन्यवाद।